दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में ये जानना चाहते हैं कि पूर्ति की गई मात्रा और पूर्ति में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर देखा है विद्यार्थियों को पूर्ति की गई मात्रा और पूर्ति में अंतर को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, जिसके कारण वो पूर्ति से संबंधित किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत परेशानी फील करते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से मैंने आपको पिछले पार्ट में मैंने पूर्ति के अर्थ को समझाया था और पूर्ति स्टॉक से कैसे डिफरेंट रखती है वहां पे मैंने आपको समझाया था। आज दोस्तों मैं आपको पूर्ति की गई मात्रा और पूर्ति में बेसिक अंतर समझाने वाला हूं, जिसे हम इंग्लिश में क्वांटिटी सप्लाइड और वर्सेस सप्लाई में जो डिफरेंट है, मैं आपको बहुत ही आसानी से एक टेबल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप मेरा पूरा अंत तक देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और विकी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूर्ति की गई मात्रा और पूर्ति में बेसिक अंतर क्या है। दोस्तों देखिए, पूर्ति की गई मात्रा यानी क्वांटिटी सप्लाइड, ये क्या है? इसके लिए आप दो बातें याद रखें। पहला, निश्चित कीमत निश्चित समय। दोस्तों, एक वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर जितनी पूर्ति की जाती है वह उसकी पूर्ति की गई मात्रा कहलाती है। और जबकि दोस्तों पूर्ति क्या होती है, पूर्ति बहुत ही आसान, विभिन्न कीमतों पर जो कुल समय पर वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा की जाती है उसके टोटल यानी उसके कुल जोड़ को हम पूर्ति कहते हैं। ये दोनों बातें यानी पूर्ति की गई मात्रा और पूर्ति में क्या अंतर है आपको ये समझना है तो दोस्तों आप टेबल को देखिए। टेबल के माध्यम से मैं आपको पूर्ति की गई मात्रा और पूर्ति में अंतर को बहुत ही आसानी से समझा सकता हूं। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो कि 2 रुपए में वह कितनी वस्तुएं बेचने के लिए तैयार है, 15। तो दोस्तों 2 रुपए इस वस्तु की एक विशेष कीमत है यानी एक ही कीमत है, उस पर कितनी पूर्ति की गई है, 15। तो ये जो 2 पे 15 की गई है ना दोस्तों, ये है दोस्तों पूर्ति की गई मात्रा। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित कीमत है और एक निश्चित समय यानी मान लीजिए आज की डेट हो, कल की डेट हो, कोई भी एक निश्चित समय पर, और उसकी पूर्ति कितनी की गई है, 15। तो दोस्तों 2 पर जो 15 की गई है वो पूर्ति की गई मात्रा है यानी क्वांटिटी सप्लाइड है। क्योंकि दोस्तों पूर्ति की गई मात्रा का मतलब है एक वस्तु की एक विशेष कीमत यानी एक कीमत पर जितनी भी आप पूर्ति करते हो, जैसे 2 पर आप कितनी कर रहे हो, 15। 4 पे आप कितनी कर रहे हो, देख लीजिए आप 4 पे कितनी कर रहे हो दोस्तों, 25। तो दोस्तों जो 4 पर कितनी की गई है, 25। तो 25 आपकी पूर्ति नहीं है, पूर्ति की गई मात्रा है, क्योंकि ये एक विशेष कीमत पर एक निश्चित समय पर की गई है। तो पूर्ति की गई मात्रा आपको जरूर समझ में आया होगा। अब दोस्तों पूर्ति को समझो कि पूर्ति क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है विभिन्न कीमतें। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि वस्तु की विभिन्न कीमतें 1, 2, 3, 4, ये वस्तु की विभिन्न कीमतें। अब 1 पे कर रखी है दोस्तों 10, 2 पे कर रखी है दोस्तों 15, 3 पर कर रखी है 20 और 4 पे कर रखी है 25। 1 पे जो 10 है वो भी पूर्ति की गई मात्रा है, 2 पे जो 15 है ये भी पूर्ति की गई मात्रा है, 3 पर जो 20 है ये भी पूर्ति की गई मात्रा है, और जो 4 पर 25 है ये भी पूर्ति की गई मात्रा है। क्योंकि दोस्तों एक विशेष कीमत पर जो भी पूर्ति की जाएगी वो पूर्ति की गई मात्रा होगी। परंतु दोस्तों जो पूर्ति होती है, पूर्ति को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो पूर्ति की गई मात्रा होती है उसके कुल जोड़ को पूर्ति कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं अगर इसको जोड़ दूं 10 पर 25, 25 और 25 कितने हो गए, 50, 50 और 20, 70। तो दोस्तों एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर
जो पूर्ति की गई मात्रा होती है उसके टोटल कर दिया जाए तो जो जैसे कि ये 70 है, ये आइसक्रीम की टोटल बाजार में उसकी विभिन्न कीमतों पर पूर्ति है, जबकि 2 पर 15, 3 पे 20, 4 पे 25, 1 पे 10, ये उसकी पूर्ति की गई मात्रा है। तो दोस्तों आपने हमेशा याद ये रखना है कि पूर्ति की गई मात्रा यानी क्वांटिटी सप्लाइड जो होती है एक वस्तु की एक विशेष कीमत को विशेष कीमत पर जो भी पूर्ति की जाती है उसको दर्शाती है, जबकि पूर्ति एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मांग पूर्ति की जाती है उसके टोटल जोड़ को आप पूर्ति कहते हो। जैसे दोस्तों मैं अपने ही एक एग्जांपल दूं, मैं इकोनॉमिक्स, मैथ्स और इंग्लिश और साइंस में ये ट्यूशन पढ़ाता हूं दोस्तों, दिल्ली कैंट सदर बाजार में। और दोस्तों मैं किसी बच्चे से 300 रुपए भी लेता हूं, किसी से 500 भी लेता हूं, किसी से 1000 भी लेता हूं, किसी से 2000 भी लेता हूं। तो दोस्तों अगर मैं 300 रुपए में 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो 300 पे 10 जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो 10 जो बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरी है दोस्तों पूर्ति की गई मात्रा। और दोस्तों मैं ऐसे ही 500 रुपए में पढ़ा रहा हूं, 700 में पढ़ा रहा हूं, टोटल मैं 300 में जितने बच्चे पढ़ा रहा हूं 10, 500 में कितने पढ़ा रहा हूं मान लीजिए 15, और 700 में पढ़ा रहा हूं मैं 25। मैं 10, 15, 25 इन चारों को टोटल करूंगा तो वो आ जाएगी दोस्तों मेरी पूर्ति, यानी मैं पूरे बाजार में यानी पूरी मार्केट में मैं टोटल जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो कहलाएगा दोस्तों मेरी पूर्ति। जबकि दोस्तों पूर्ति की गई मात्रा की अगर मैं बात करूं तो मैं 500 में कितने बच्चे पढ़ा रहा हूं, 700 में कितने बच्चे पढ़ा रहा हूं, 300 में कितने बच्चे पढ़ा रहा हूं, ये कहलाएगी मेरी पूर्ति की गई मात्रा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ति की गई मात्रा और पूर्ति में अंतर को मैं समझाने में सफल जरूर आऊंगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा अगर आपके माइंड में, तो दोस्तों मुझे कमेंट जरूर करें। आपके मैं कमेंट्स ज्यादातर विद्यार्थियों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों, आप मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हो मेरे चैनल पर, जिसके लिए दोस्तों मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। विक्की की पाठशाला के साथ आप इसी तरीके से बने रहें। मैं आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बिल्कुल कंप्लीट इकोनॉमिक्स समझाऊंगा दोस्तों, और बहुत ही सरल शब्दों में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल सकते हैं इकोनॉमिक्स के, बट दोस्तों ये जो विक्की की पाठशाला चैनल है, जो ये मेरा चैनल है और आप सबका ये चैनल है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी बात समझाई जाती है ना कि रटवाई जाती है, समझाई जाती है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी बात आपको ये सही लगती है और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही पढ़ाता हूँ, बिल्कुल टॉप मुद्दे की बात करता हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, मैं आपको पूर्ति के नियम के बारे में समझाऊंगा दोस्तों, तो वो वीडियो भी देखना बिल्कुल भी ना मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।